जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR, इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको पहले जो है टॉपिक वाइज डिटेल में करंट अफेयर बताया जाएगा, बाद में जो है उससे रिलेटेड जो MCQ बन सकते हैं, और जिस प्रकार से MCQ UPSC आयोग पूछता है उस पैटर्न पे आपको बताया जाएगा, और यह आपके आगामी एग्जाम UPSC प्रीलिम्स RO बाकी जितने भी अन्य स्टेट पीसेस हैं जो भी आयोग परीक्षा कराता है स्टेट पीसेस के, उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक। पहला जो आज का टॉपिक है, डेंगू के लिए एक नया टीका क्यू डेंगा। 10 मई 2024 को डेंगू के लिए एक नए टीके क्यू डेंगा TAK003 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं कि यह पहला टीका बनाया गया है डेंगू के लिए, इससे पहले जो है सनोफी पास्चर द्वारा जो फार्मा कंपनी है, इसने जो है डेंगवैक्सिया नाम की जो है वैक्सीन विकसित की थी, जिसे WHO से जो है प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ था। तो पहली जो वैक्सीन थी डेंगू के लिए वह डेंगवैक्सिया थी, जिसे WHO से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ था। दूसरी आपकी अब जो है क्यूडेंगा हो गई है। टाकेडा द्वारा विकसित यह जो कंपनी आपकी टाकेडा है, और जो विकसित TAK003 एक जीवित छीड़ित टीका है, इसमें डेंगू का कारण बनने वाले वायरस के 4 सीरोटाइप के कमजोर संस्करण जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं टीका जो है उसी से बनता है जिससे वह कारण होता है। यह जो टीका है यह 2 खुराक में प्रदान किया जाता है, जो सभी 4 प्रकार के डेंगू से जो है ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। WHO द्वारा डेंगू की उच्च दर वाले क्षेत्रों में रहने वाले 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इसके उपयोग की जो है सिफारिश की गई है। इस प्रकार जो है हाल ही में जो डेंगू का एक नया टीका डेवलप किया गया है क्यू डेंगा। अगला जो टॉपिक है, इसरो द्वारा नए तरल रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया है। 9 मई 2024 को भारतीय अंतरिक्ष संगठन अर्थात इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्मित एक तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और यह जो परीक्षण हुआ है यह तमिलनाडु के महेंद्र गिरी से इसका जो है परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण में पुनः डिजाइन किए गए PS4 इंजन के प्रमुख प्रदर्शन मानदंडों की जो है पुष्टि की गई है। इन नए डिजाइन किए गए PS4 इंजन में पार्ट्स की जो संख्या है वह 14 से घटाकर जो है 1 कर दी गई है। इससे जो है प्रति इंजन कच्चे माल के उपयोग में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बचत अब होगी। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी औद्योगिक उत्पादन में 3D प्रिंटिंग के उपयोग करने की जो है प्रक्रिया है, और 3D प्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो परत दर परत त्रियामी 3D वस्तुओं को बनाने के लिए कंप्यूटर निर्मित डिजाइन का उपयोग करती है। इस प्रकार जो है इसरो ने नए तरल रॉकेट इंजन का जो है परीक्षण कर लिया है। आगरा में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया है। 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स पोर्टेबल अस्पताल का जो है परीक्षण किया है, और यह जो परीक्षण है यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में जो है इसका परीक्षण किया गया है। और यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स प्रोजेक्ट भीष्म नामक पहल का जो है एक हिस्सा है, और इस परीक्षण का जो उद्देश्य है यह पोर्टेबल अस्पताल को कहीं भी आपात स्थिति से जो है निपटने के लिए तैनात जो है करना है। तो पोर्टेबल अस्पताल का जो परीक्षण किया गया है भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का, यह उत्तर प्रदेश के आगरा में किया गया है। बाराबंकी में राज्य का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर। 16 मई 2024 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने जो है बाराबंकी के एक भौगोलिक गांव है वहीं पर उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर जो है लॉन्च किया गया है। सीमैप द्वारा 30 किसानों की भूमि पर जो है पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती कर सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर जो है विकसित किया गया है। यह जो क्लस्टर है यह कृषि में
टिकाऊ प्रथाओं के उपयोग का एक जो है उदाहरण स्थापित करेगा और देश को जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में जो है मदद करेगा। सीमैप ने क्लस्टर में उच्च उपज देने वाली पुदीना की जो किस्म है CIM उन्नति लगाई है और यह पौधों के कीटों और बीमारियों सहित जैविक तनाव के प्रति जो है यह प्रतिरोधी है और यह जो क्लस्टर है यह संपूर्ण राज्य में किसानों के लिए एक मॉडल के रूप में जो है काम करेगा और इसी अवसर पर जो है पुदीने के तेल निकालने के लिए सौर ऊर्जा चलने वाली इकाइयों का भी उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जो है राज्य का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर जो है लॉन्च किया गया है। अगला जो टॉपिक आपका है पुणे में संविधान पार्क का उद्घाटन। 29 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया है और इस पार्क को जो है भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं के लिए जो है एक श्रद्धांजलि है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का पहला जो संविधान उद्यान है यह जयपुर राजस्थान में पहले जो है स्थापित किया जा चुका है और हम लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है यह 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा और 26 नवंबर 1950 को यह जो है लागू हुआ था। अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश का पहला जो संविधान पार्क जो बन रहा अपना वो मुरादाबाद में बन रहा है। टोटल जो है 9.5 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत आ रही है। तो उत्तर प्रदेश जो पहला संविधान पार्क बन रहा है आपके मुरादाबाद में बन रहा है। UPSC RO प्री 2023 के जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारा कंप्लीट बैच शुरू किया गया है। यह जो बैच हमारा है यह दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। UPSC RO प्री 2023 री एग्जाम फुल पेड ग्रुप डेली क्लासेज रिकॉर्डेड क्लासेज आपको दी जाएगी। डाउट क्लियर दी जाएगी। इसकी जो फीस आपकी 5000 रुपये है। इसके अलावा फुल पेड ग्रुप विद डेली क्लासेज रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध होगी। आपको जो है डाउट क्लियर नहीं मिलेगा इसमें। इसकी जो फीस रखेगी वो आपकी 3500 रुपये रखा गया है। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप विद डेली क्लासेज रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी जो फीस आपकी 2500 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप हमारा है ये आपके 1200 रुपये है। इसमें आपको मिनिमम 46 टेस्ट दिए जाएंगे जिनमें आपका 20 फुल एंड टेस्ट होगा, 10 GS के होंगे जिनमें आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे, 7 में 10 आपके हिंदी होंगे जिनमें हर टेस्ट में आपको 60 प्रश्न दिए जाएंगे, 16 टेस्ट आपको सेक्शनल दिए जाएंगे जिनमें 10 GS के होंगे, 6 आपके सामान्य हिंदी के होंगे, 10 आपके रीजनिंग के टेस्ट होंगे और सभी टेस्ट में जो है 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड क्विज का ग्रुप 900 रुपये है। इनमें कम से कम 5000 जो है असंभावित सवाल आपके GS और हिंदी के कराए जाएंगे। RO करंट अफेयर का जो ग्रुप है इसकी जो फीस आपकी 600 रुपये है। UPSC RO संबंधित 2023 संबंधित जितने भी करंट अफेयर जरूरी आपके लिए सब कुछ आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस कोर्स को लेकर जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ये हम लोग इससे रिलेटेड कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं स्टेट PCS के। क्यूडेंगा वैक्सीन संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। हाल ही में जापानी फार्मास्यूटिकल टाकेडा द्वारा बनाई गई डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को विश्व स्वास्थ्य संगठन से जो है प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है। दूसरा जो स्टेटमेंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली यह पहली डेंगू वैक्सीन है। केवल एक सही है, केवल 2 सही, दोनों सही, ना तो एक ना ही 2 सही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो कंपनी आपकी जापानी फार्मास्यूटिकल है टाकेडा, इसने जो है डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा बनाई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन से जो है प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है। पहला जो स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली यह पहली डेंगू वैक्सीन नहीं है बल्कि यह दूसरी है। इसलिए जो है पहला जो स्टेटमेंट है वह आपका सही है। पहली जो वैक्सीन रही है वह डेंग वैक्सिया रही है जिसे सनोफी पास्टर कंपनी ने बनाया था। अगला जो प्रश्न है तरल रॉकेट इंजन संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से निर्मित तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक किया गया है। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है, केवल एक, केवल 2, दोनों, ना तो एक ना ही 2। इसमें जो पहला स्टेटमेंट सही है कि इसरो ने जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से निर्मित नए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह जो परीक्षण इन्होंने किया है यह तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से किया था, ओडिशा के चांदीपुर से नहीं। तो इसमें भी जो है केवल पहला जो स्टेटमेंट है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भीष्म पोर्टेबल क्यूब से संदर्भ में स्टेटमेंट है। इसका परीक्षण भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के आगरा में मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार यह प्रोजेक्ट भीम
नामक व्यापक पहल का एक हिस्सा है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट यह भी सही है, इसका परीक्षण भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के आगरा के जो है मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में किया था। दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार यह जो है प्रोजेक्ट भीष्म जो है नामक व्यापक पहल का एक हिस्सा है, भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। उत्तर प्रदेश के पहले इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर संदर्भ में स्टेटमेंट है। दो, बाराबंकी के भगौली इलाके में उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर जो है बना है। इस क्लस्टर की शुरुआत काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट ने की है। केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों नहीं दो सही है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट इसके सही है, बाराबंकी के भगौली इलाके में जो है उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर बना है और इस क्लस्टर जो शुरुआत की है वह CSIR और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने की है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिया गया है, आपको जो है सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। हाल ही महाराष्ट्र के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन पुणे में किया गया है। इस पार्क को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। भारत का पहला संविधान उद्यान जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया है। केवल और दो सही है, केवल दो और तीन सही है, केवल एक और तीन सही है, एक दो तीन सही है। इसमें जो पहला स्टेटमेंट ये सही है क्योंकि महाराष्ट्र का जो पहला संविधान उद्यान का जो उद्घाटन किया गया आपके पुणे में किया गया है। इसे जो है भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। भारत का पहला संविधान उद्यान जो है ये जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया है। और एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो बन रहा है अपना मुरादाबाद में बन रहा है, यह भी चीज़ नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार के आपको जो है पहले डिटेल में समझाया जाएगा टॉपिक, फिर उससे रिलेटेड कुछ हम लोग MCQ करेंगे इस स्तर के, जिस प्रकार से आयोग जो है परीक्षा में प्रश्न पूछता है। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।